प्रवीण बंसल जो है एक स्टेट नू रिप्रेजेंट कर रहा है जी। ठीक है, वो भाजपा नू रिप्रेजेंट कर रहा है, भाजपा एक नेशनल पार्टी है जी। और ये भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है जी। ठीक है, भाजपा को पता ही नहीं है भी उन्होंने वर्कर कर की रहे हैं, पर जो असं उच्च अधिकारियों तक गल पहुँचाई तो उन्होंने तो बिल्कुल हथ बैकफुट से सिर आता। फिर असी बीजेपी की टीम का भी उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दिता। असी सिर्फ ये किया कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत नैशनल पार्टी है, मोदी जी की और योगी जी की सोच नूं असी सल्यूट करते हैं, पर असी जिहड़ी पंजाब दी भाजपा दे खिलाफ हाँ। तो ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इनको ये नहीं देखा कि ब्राह्मण पे हाथ उठा रहे हैं, कि लेडीज़ पे हाथ उठा रहे हैं, गलत किया इन लोगों ने और उसकी सजा भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। प्रवीण बंसल ने जो इस प्रकार के कार्यकारिणी की है, इससे ऐसा लगता है कि प्रवीण बंसल है जो पाकिस्तानी है और सनातन की उसने हानि। प्राइम तो देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। सो दोस्तों जिदा कहते हैं सच नूं दबाने की कोशिश हुंदी है पर सच दबिया नहीं दबदा। सो इधर आ मामला पिछले लुधियाणा दे आर्या समाज मंदिर जो कि गदवई नगर दे विच आ, जिते पुरोहितां नूं बीजेपी लीडर वल्लों कुट्टिया गया सी, एक भैन नूं हत्थ पाया गया सी ते परिवार नूं तसद्द दित्ते गए सी। उस ही दिन परिवार उत्ते परचा होना सी जे रब वल्लों किते ना किते सीसीटीवी कैमरा ना सामने आंदा, पर सच सामने आन च थोड़ी देरी लगी, FIR हुण देरी लगी, पर अज उस बीजेपी आगू से पता लगा कि FIR हो गया। साढ़े नाल जिहड़े की आ अमित शर्मा जिहड़े कि मोहाली तो स्पैशल, इन्हां दा एक वड्डा योगदान रहा, तो नौन मोनिका मैडम का भी वड्डा योगदान रहा, तो नाल अज साढ़े इत्थे महामंडलेश्वर जी जिहड़े पधारे हुए ने उन्होंने भी गल करांगे। सो पहला तो स्वागत है जी प्राइम जी। सर आज इतने बाबा जी इतने आए हुए, आपको पता चला कि क्या हिंदुओं के साथ पुरोहितों के साथ अन्याय हुआ था, आज हम उनके लिए पहुँचे थोड़ा बताएंगे। जो ब्राह्मण परिवार के साथ में अन्याय हुआ था, बड़ी खुशी की बात है कि हमारे छोटे भाई अमित शर्मा जी और हमारी बहन मोनिका जी ने इतना संघर्ष किया और उनको विजय प्राप्ति में सफलता दिलाई, बड़ी मेहनत की है इन लोगों ने और हमारा आशीर्वाद हमेशा इनके साथ है और जहाँ भी जरूरत पड़ेगी हम इनके साथ रहेंगे, उनके साथ खड़े रहेंगे। जय सियाराम। पर आप जैसे संत समाज से आते हैं, पर आजकल क्या चैलेंज हो गया कि हमारे हिंदू लोग सनातनी लोग अपने ही सनातन भाइयों के साथ ऐसी कृति करते हैं और फिर भी डरते नहीं हैं और कुछ लोग उनका साथ भी देते हैं। देखिए सभी सनातनी ऐसा नहीं करते हैं, क्या है ना, जो राजनीति में घुस जाते हैं उनको धर्म से कोई लेना देना नहीं होता, वो किसी धर्म में भी घुस के गलत काम करना शुरू कर देते हैं। तो ये लोग राजनीतिक लोग हैं, इनको ये नहीं देखा कि ब्राह्मण पे हाथ उठा रहे हैं, कि लेडीज़ पे हाथ उठा रहे हैं, गलत किया इन लोगों ने और उसकी सजा भुगत रहे हैं, भुगतेंगे। और इन लोगों की जो मेहनत है वो कामयाब हुई है। सो अमित अज एक वड्डी कॉल सी, डंडोत भी करन दी गल कीती गई सी, भी प्रशासन नूं जगाण लई डंडोत भी कीती जाएगी, अज किदां महसूस हो रहा भी एक भैन दे रखड़ी बन्नी सी, अज उहदा फल मिलिया, कहिंदे पता लगे भी FIR हो गई, तो FIR नंबर भी दसो, तो अज किदां महसूस हो रहा। देखो असी संघर्ष के जब आए थे, तुम शुरू तो सानू पत्रकार भाईचारे ने बहुत सहयोग दिता, असी अपने भैन के लिए आए थे, लक्ष्मी जग गया तुम ठीक है, असी जब देखिया कि भी कोई नहीं लुधियाणा वाल खड़ रहा, तो मैं मोहाली तो तुम जानते हो असी इतने आए पहुंचे, इतने धर्म की भैन कहा ऑन कैमरा उसने रखड़ी बन्नी, पर बहुत लोगों लुधियाने के जोड़े बहु स्वयं बहु नेता से उन्होंने दिक्कत हो गई भी उधरों क्यों बंदा आया, ये पंजाब मेरा है, हिंदुस्तान मेरा है, मैनू इतने घूमने पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, मैं कितने भी जा सकता संघर्ष के। और मैं ये कहना चाहता थोड़े चैनल के माध्यम नाल कि भी असी लोग थोड़े लोगों की हिंदुओं की आवाज़ हाँ, जे तुम मेरा गला दबोगे समझ लो तुम आप अपना गला दबोगे। और इस FIR की गल करते हैं, जिदा प्रशासन ने सारी तफ्तीश करने तो बाद एक FIR दर्ज की, असं धन्यवाद करते हैं CP साहब का, SP सराम मैडम का, DSP साहब का, SHO साहब का, भी जिन्हों लोगों ने इसका यदि गंभीरता समझते हुए एक FIR दर्ज की 92 नंबर FIR के सैक्शन 295A भी लगाया गया धार्मिक भावना भंग करन का, सैक्शन 354 भी लगाया गया जिस महिलावां नाल कुटमार की गई है, तो जिहड़ी फिजिकल इंजरी हुई है 323, 324 वो भी लाई गई हैं। हुण असीं ये सोचा कि भी प्रशासन का असीं धन्यवाद इस करके दिलों कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने ना ऊंच देखी ना नीच देखी, ना राजनीति देखी ना आम आदमी देखा, उन्होंने एक निरपक्षता नाल फैसला किया, नहीं तो प्रशासन चाहता था भी उन्हों FIR मदद भी कर सकता सी, पर कुछ दबाव पाने की पहला कोशिश की, पहला तुहाडे लोग थाने दे विच भी थोड़ा हनुमान चालीसा पाठ किया गया सीगा, कितना कितना मुशक्कत करनी पई सी पहला, पहला तो कुछ लगता सी राजनीतिक दबाव आ। देखो
की है कि एक प्रवीण बंसल जो है एक स्टेट नू रिप्रजेंट कर रहा है जी। ठीक है, और भाजपा नू रिप्रजेंट कर रहा है, भाजपा एक नैशनल पार्टी है जी। और ये भाजपा का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, भाजपा को पता ही नहीं है भी उन्होंने वर्कर कर की रहे हैं, पर जो असी उच्च अधिकारियों तक गल पहुँचाई तो उन्होंने तो बिल्कुल हथ बैकफुट से सिरों का। फिर असी बीजेपी की टीम का भी उच्च अधिकारियों का धन्यवाद करना चाहते हैं कि उन्होंने ऐसे व्यक्ति का साथ नहीं दिता। ठीक है, आने वाले समय के एक मेमोरेंडम जो है असी बीजेपी ऑफिस भी देवे भी इसमें पार्टी तो दरकरार किया जाए, क्योंकि पंजाब के जी राजनीति हैगी है बीजेपी के पैर त लगनगे जब ऐसे लोग पार्टी तो साइड हो गए। अगर ये लोग साइड नहीं होंगे तो किदा साढ़े वर्गे हिंदू किदा इन्होंने वर्गे हिंदू किदा इन्होंने वर्गिया भैन वोट दे रही हैं जिन्होंने खंडित किया मर्यादा। सो मुड़ के अच्छे नाल आए हो फिर दोबारा उदन थोड़ा जहाँ मायूस जो हो गए थे अच्छी खुशी थी इधर अच्छी खुशी बड़ी लग रही है की कह चुके इन्होंने तो भी पूछते पहले तुम दसो जी सर क्योंकि अज जी सच्चाई की जित हुई है और सब तो पहला मीडिया का बहुत बहुत धन्यवाद कि तुसी साड़ी जड़ी आवाज़ सी देश तक पहुँचाई। खुशी इसलिए है क्योंकि मैं मीडिया से किया सीगा कि आज असी ये देखना है कि पैसे की जित हुंदी है या एक गरीब की सुनवाई हुंदी है। तो देखो पैसा किसी को किन्ना भी होवे लेकिन जड़ी जित है वह सच्चाई की ही हुंदी है, जो सच है वह परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं हो सकता। असी सारा ब्राह्मण समाज अज बहुत खुश है क्योंकि असी सच नाल खड़े सी, बड़ा कुछ चलो दबाया भी गया, बड़ा कुछ सहन भी किया, पर असी अज खुश हाँ कि जी अज जित दी सच्चाई सच्चाई दी जित हुई और साड़ी भैन नू इंसाफ मिले, मिलना भी जरूरी है। और असी मैनू बड़े क्वेश्चन लोगों ने पूछे, मैं थोड़े मीडिया के जरिए कहना चाहनी हूँ कि असी भारतीय जनता पार्टी के अगेंस्ट नहीं है। असी सिर्फ ये किया कि भारतीय जनता पार्टी एक बहुत नैशनल पार्टी है, मोदी जी की और योगी जी की सोच नू असी सल्यूट करते हैं, पर असी जड़ी पंजाब दी भाजपा दे खिलाफ हाँ जी। क्योंकि इत्थे मैनू नहीं लगता कि इन्हां वर्गे होर भी बहुत ने आए दिन सामने आंदे रहणगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहनी कि इस तरह के जेड़े लीडर हैं भाजपा नू अपनी पार्टी चों कढ़ना चाहिए उन्होंने, और ताही जड़ी हैगी है भारतीय जनता पार्टी पंजाब च मजबूत होगी। तो अज साडा सारा ब्राह्मण समाज सब का थैंक्स करता है, जिन्हें भी इत्थे पहुँचे ना सारे का बहुत बहुत धन्यवाद, प्रशासन का भी बहुत बहुत धन्यवाद। अखा जी हंजू से उधर आज किदा बस बहुत बहुत धन्यवाद सभी भाइयों का, अमित भाई का, मोनिका दीदी का और पंकज जी का जिन्होंने मेरा साथ दिया, मुझे इंसाफ दिया। आज हजारों की गिनती में आपके लिए लोग आए। हाँ जी, क्या कह रहे थे, एक दिन तो अकेले थे। हाँ जी, आज सब आपका कमाल, आप लोगों का है, सभी का, भाइयों का जिन्होंने भी मेरा साथ दिया। बस देखो जी, एक टाइम से साढ़े ना कोई नहीं सी। ठीक है जी, फिर तो थोड़ी वीडियो आई, फिर साढ़े लक्ष्मी के ब्रदर आए, फिर अमित शारदा जी आए, फिर होली साढ़े सारे को जुड़ गया। आज साढ़े ना साक्षात गुरु जी खड़े ने, मोनिका मैम खड़े ने और पूरा ब्राह्मण समाज खड़ा है, सनातन सारे एक खड़े ने और साढ़े को शब्द नहीं है। और मैं लगता कि जेड़े महामंडलेश्वर जी मिलने लिए कभी वे समा लेना पैंता है, अजो थोड़े आप चरण पाना है। बिल्कुल, ये हमारा सौभाग्य है, हमारे पिताजी के जो उनके आदर्श है तो उन्होंने आज हम हमारे लिए देखो गुरु जी भेजे हमारे सामने, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात। आत्मा बहुत प्रसन्न हो रही है, बहुत प्रसन्न हो रही उनकी आत्मा, क्योंकि वो एक सच्चे वो थे पुजारी, उन्होंने कभी धन को नहीं देखा पहले। उन्होंने हमेशा हमें यही शिक्षा दी है कि बेटे, हमेशा हमें कहा कि मैं भी आर्य समाज फील्डगंज का पुरोहित हूँ, उन्होंने हमेशा कहा बेटे हमेशा ईमानदारी बरतना, और ईमानदारी का साथ रखोगे तो कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन यहाँ पर हमारे स्वामी जी भी आ रखे हैं और हमारे भाई अमित जी शर्मा जी और बहन, इनका मैं बहुत तह दिल से धन्यवाद, जितना कर लूँ उतना काम है इनके लिए, सभी ब्राह्मण समाज का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। प्रवीण बंसल ने जो इस प्रकार के कार्यकारिणी की है, इससे ऐसा लगता है कि प्रवीण बंसल है जो पाकिस्तानी है और सनातन की उसने हानि है। ऐसा कार्य व्यक्ति तभी कर सकता है अगर वह देशद्रोही लोगों से मिला होता है। धर्म की जगह पर कब्जा करना, गौशाला के ऊपर कब्जा करना, धर्म की बेअदबी करना, धार्मिक पुस्तकों को फेंकना, धार्मिक ग्रंथों को फेंकना और हवन कुंड को गली में फेंकना, इस प्रकार के कार्य राक्षस लोग करते हैं। जो कार्य उसने किया है, ब्राह्मणों के श्राप से उसका और उसके परिवार का वंश नाश हो जाएगा। जय सनातन धर्म। सो अमित की कहना चाहते हो हुण, तुसी लास्ट से मांग की करना चाहते हो इंसाफ नू, एक एफ आई आर हुई है हजे ये बहुत सारी शायद अड़चना भी बरखास्त कराने भी जोर लाया जाऊँगा या होर बहुत सारी अड़चना पाई जाएगियाँ, की कहना चाहते हो तो की मंग करते हो? असी संघर्ष करना जानते हैं जी, संघर्ष ने सानू इन्हें तपा दिता है कि तुम देख लिया होना, अभी कड़क की धुप के अच्छ भी खड़े और उस दिन सड़क पर भी लेटे हुए थे।
और इसी संघर्ष में जारी रखा। अज जिन्हें भी अब तुम मान नहीं सकते भी कोई अमृतसर तरन तारण है ना गुरदासपुर कोई ऐसी जगह नहीं सी पंजाब दी जिथों बंदे नहीं आए। हरियाणे वाले तो रोकया गया कि ना आओ, नहीं तो फिर साढ़े कंट्रोल तो बाहर हो जाना सी। इस करके असी तो यह चाहते भी प्रशासन ने जिस तरीके अच्छी सुनवाई की है देर आए दुरुस्त आए उसदा साड़ी पहले ही गुहार सुन लेनी चाहिए सी। हो सकता प्रशासन दी सो मजबूरियां होंदियां, एक स्टेट का लीडर हैगा वो उसके उपर कई प्रूफ कट्ठे करने पैने से तो उन्होंने किते, पर सच की जितो ही कहते सच का टाइम थोड़ा टाइम तो लग जाता पर सच उजागर हो ही जाता। तो हुण इसकी गिरफ्तारी के लिए असी मूव करांगे और उसके लिए भी संघर्ष जारी करांगे। और सब तो बंदियां उत्ते एफ आई आर कुछ पता ये एफ आई आर इन्हां दे उत्ते एक तो उसके बेटे के उत्ते है तो एक उसके उत्ते बाकी जिहड़े नाल होर सीगे एक जिहदा पगड़ीधारी सीगे उन्हां दा नाम की है की नाम वाला बीरा लाल अनपछाते बाकी अनपछाते बंद पैके अनपछाते कुछ लोग जो कैमरे के सीसीटीवी के दिखे गए थे पहचान हुई थी शनाख्त हुई थी उन्होंने बाई नेम बाकी उत्ते अननोन। तो महामंडल जी आपके एक छोटी सी वीडियो से सनातन के लोगों ने साथ दिया, उन सनातनी लोगों का कैसे धन्यवाद करेंगे जिन्होंने आपकी आवाज पर आज लुधियाना में फटाफट मूव किया और अमित के साथ भी खड़े। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ सबका जिन्होंने इस ब्राह्मण परिवार का साथ दिया। हालांकि ब्राह्मण परिवार को लेकर नहीं किसी के साथ भी अन्याय होगा उसके साथ खड़े होंगे हम लोग, कहीं भी किसी भी जगह पे पंजाब नहीं किसी भी स्टेट में तो उनके साथ हम लोग खड़े होंगे और सबका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जो यहाँ। जयकारा वीर बजरंगे, जयकारा वीर बजरंगे, गौ माता की, गौ माता की। सो ਉਹੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਜਿਹੇ ਲੱਗਦੇ ਪਏ ਆ ਪਿੱਛੇ ਆਹੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰੋਣ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਮਹਾਮਲੇਸ਼ਵਰੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਅਮਿਤ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਪੂਰੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਔਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਦਿਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਪੂਰੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਕਾ। ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਈਮ ਉਹਦੇ ਖੜਾ ਹੈ ਤਾਂ ਖੜਾ ਰਹੇਗਾ, ਬੁਲੰਦ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਸੋ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਲਈ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਿਊਜ਼ ਚੈਨਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਰੋਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਜ ਜੀਰਾ।